आज के समय में हम देखें कि देसी मुर्गी पालन करना, वो भी देसी तरीके से मुर्गी पालन करना, ये अद्भुत तरीका हमारे आदरणीय श्री अनुज प्रताप जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल NHD इंडिया में स्वागत करता हूँ। पहले उद्योग धंधा भाई आलोक सिंह के नाम से ये चैनल था, अब NHD इंडिया के नाम से हो गया है। आज मैं सिंगरौली कुहिया में आया हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है जिसका नाम ऊर्जा धानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। आज मैं चर्चा करूँगा कि मुर्गी पालन, खासकर मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी में बेहतर तरीके से करके अच्छा आय कमाया जा सकता है, और ख़ासकर आज के समय में हम देखें कि देसी मुर्गी पालन करना, वो भी देसी तरीके से मुर्गी पालन करना, ये अद्भुत तरीका हमारे आदरणीय श्री अनुज प्रताप जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। तो उनके टीम से हम आपको परिचय कराते हैं। आदरणीय श्री मुकेश पाल जी, सीता शरण पाल जी, हृदयलाल पाल जी, नंदलाल पाल जी, अमर सिंह जी और FPO के आप सब जो है तो सदस्य और संचालक हैं। जो सबसे पहले मैं उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह NHD इंडिया में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और जानते हैं कि कैसे अनुज प्रताप जी और आपकी टीम किस तरह से देसी पद्धति से मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो भी देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत करते हैं अनुज प्रताप जी का। अनुज प्रताप जी, आप ये बताइए कि आप इस कार्य को कब से कर रहे हैं मुर्गी पालन का? सबसे पहले हम लोग जो है आज बड़ा खुशी, हमारी टीम के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय हम लोगों के मार्गदर्शक आलोक सिंह जी, आप इस ज़िले के लिए उद्योग धंधा स्थापित कराने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, कई एक बार आपसे हमारी मुलाकात भी कई कार्यक्रमों में हुई है। हम चाहते थे कि हम लोग को आपका यहाँ पे विजिट, आपका यहाँ पे जो है स्थल परीक्षण निरीक्षण के लिए आप आए, और आपका आज आए हुए हैं। हम लोग हार्दिक खुशी के साथ में आपका पूरी अपने ऊर्जा धानी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के पूरे टीम के साथ में सभी पदाधिकारी गण, इस फार्म के संचालक गण से लेकर के हमारे सभी के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर, हम लोग जो है पिछले साल नवंबर में 6 नवंबर को हम लोग जो है अंबिकापुर से 1000 मुर्गी का बच्चा यहाँ पे लाए, फार्म बनवाए, कंपनी रजिस्टर्ड हुए, हमारी 1 साल के लगभग हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने पहला व्यवसाय ही चालू किया है, और 1000 मुर्गी पालन के लिए हम, चूँकि इस ज़िले में सर देसी मुर्गी पालन हो नहीं रहा था, तो मैं अपने साथियों के साथ में कहा कि यहाँ पे देसी मुर्गी पालन इस तरीके से किया जाए कि मुर्गी ला करके पाल करके उनको बेचने तक न सीमित रह करके उनसे हम लोग जो है एग उत्पादन और फिर चूजा उत्पादन का कार्य आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो दिनों दिन सदस्य संख्या FPO के लोगों की जुड़ रही है, रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं, तो हमें रोजगार क्रिएट करने का भी जो है अवसर प्रदान हो, तो हम लोग जो है सर इस पे काम करना चालू किए। मतलब आप एग उत्पादन, चूजा उत्पादन जी कार्य कर, हम लोगों का ये उद्देश्य FPO का है, बहुत अच्छा उद्देश्य। और सर हम लोगों ने जो है नवम्बर में ला करके हम लोग देसी पद्धति से इनको खुले में छोड़ करके, आप देख रहे होंगे कि सारी मुर्गियाँ उनके अभी आए हुए चूजे जो 25-30 दिन के हैं, और अभी जो कार्टून में रखे हैं 2-3 दिन पहले आए हैं इक्यूबेटर से, ये सब करके ये सर यहाँ पे होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे हम लोगों का जिला बड़ा पिछड़ा है रोजगार में, आदिवासियों के लिए, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ये भी मैं तो सामान्य वर्ग से हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं शुरुआत करके मैं सर देना चाहता हूँ FPO के माध्यम से अपने सदस्यों को कि रोजगार का अवसर सुनिश्चित हो सके। अभी तक मैंने देखा है कि लोग शेड के अंदर मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन अब मैं आपको ही देख रहा हूँ कि खुले में मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो ये बताइए, जो शेड के अंदर मुर्गी पालन करते हैं और जो हम खुले में कर रहे हैं, जी उन दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है? बहुत सारा अंतर है सर। जी आप जब पोल्ट्री फार्म में जाते हैं तो जब आप खुले में मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गे के अंदर जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, देसी मुर्गी जिनको आप कहते हैं, देसी मुर्गी का मतलब कि देसी पद्धति जो खुले में चरती हों, जो खुला दाना खाती हों, कीड़े मकोड़े से अपना जो है पूरा पोषण बनाती हों, एक तो ये होगा
खुले में देसी पद्धति, उसमें सारे न्यूट्रिशंस पोषण, देखिए आपके सामने जो है मैं दिखा रहा हूँ कि ये छोटे बच्चे हैं 25 दिन के, ये चारा चर रहे हैं। जी 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 जी। तो गाय तो है नहीं कि घास खाए, मुर्गी खा रही है, इसको तो दाना चरना चाहिए, ये घास क्यों खा रही है? जी जी जी। तो घास खा करके जो पोषण घास से, इससे इनके जो है मीट में सारे न्यूट्रिशंस उपलब्ध होते हैं सर, और उसको खाने के बाद आदमी अच्छी कीमत भी दे देता है। अब रह गई बात कि भाई आप इसको फार्मिंग पद्धति से पैसे कमाने के लिए क्यों? तो हाँ। मैं तो, मुझे तो 25-50 मुर्गियाँ ईजाद करना है, अंडे से बाहर निकालना है, कैसे उस सारे तरीके पे मैं काम कर रहा हूँ, न कि मुझे 1000 मुर्गी हर महीने बेचना है। जी जी। वो पद्धति की भी बात करते हैं सर हम आपसे। अगर आप इसी सोनाली, सौरंगी या कड़कनाथ या किसी भी ब्रीड को आप बायलर पद्धति से एक बंद कमरे में पालते हैं और टोटल बायलर फीड और मेडिसिन देते हैं, तब ये 60 से 90 दिन के अंदर 1 किलो 1.25 किलो गेन कर जाती है। अच्छा अच्छा। उस समय इन मुर्गियों की उम्र जो है 3 महीने की होती है सर। 3 महीने में शरीर इनका बढ़ जाता है, परंतु न्यूट्रिशंस नहीं आ पाते, नहीं मिल पाता, टेस्ट वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल ठीक ना। हाँ। तो इसलिए उनका आप बाजार में जाइएगा तो 300-400 रुपए किलो में बिल्कुल पैदा करके बेच भी रहे हैं, लोग व्यवसाय कर रहे हैं। वो हमें देसी पद्धति करना है, उसमें कास्ट भी ज़्यादा है। आप पूरा फीट खरीद करके 50 रुपये किलो खिलाते हैं, हम इसको पपीता, टमाटर, सड़े टमाटर मार्केट में 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो टमाटर फेंका जा रहा था उस समय। मेरे पास 1-1.5 हज़ार मुर्गी लगभग थी सर, 1.5 क्विंटल डेली यहाँ पे टमाटर का। आप मेरे रजिस्टर को आप निकाल करके देखिएगा तो कम से कम नहीं तो 25 से 50 हज़ार रुपये तक हमने सड़े हुए टमाटर का, यहाँ तक कि टमाटर का जो डंठल है उसको भी यहाँ मुर्गियों के चारा के रूप में उपयोग करके मैंने किसानों को फायदा दिलाया है। ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, यहीं के किसान हैं, सब यही भाई बंधु हैं, मेरे सदस्यगण हैं, जिनका सड़ा हुआ टमाटर जिनको गाय नहीं खाती। हाँ। वो ये सब मुर्गी खा करके बिल्कुल एडल्ट हुई हैं, आज आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा, कितने स्क्वायर फीट में आपने अपना सेट तैयार किया? ये सर हमारा लगभग 75 डिसमिल में ये पूरा बाउंड्री है, बाउंड्री 75 डिसमिल, और लगभग 2000 जिनको आप बंद कमरे में 2000 मुर्गी पालन कर सकते हैं, हमने 1000 जो आपका ये 75 डिसमिल का है जी, जो आपने बाउंड्री किया है जी सर। इसके अलावा अगर हम सेट की बात करते हैं तो सेट लगभग कितने स्क्वायर फीट का है? सेट 75 फीट लंबा है सर और 20 फीट चौड़ा है। अच्छा, 20 फीट चौड़ा और अंदर 75 फीट लंबा लंबा आपका है। हाँ। उसमें आपने 1000 मुर्गी का रखा था जिसमें से हम 50-60 मुर्गी जो है अंडे के लिए बचा करके सारा सेल कर दिए हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक ना। हाँ। और 500 रुपए किलो मुर्गी और 600 रुपए किलो मुर्गा हमारा फुटकर रेट में गया है। जी जी। फुटकर रेट में यहाँ लोकल में अंडा कोई सर पे रखने के लिए ले जाता है 15 रुपए बिक जाता है, कोई होलसेल 50-150 अंडे ले गया जी जी। तो वो 10 रुपए में भी हम दे देते हैं होलसेल रेट पे जी जी जी। और फुटकर रेट में 2-4 अंडे कोई ले गया तो अंडे भी दे रहे हैं, अंडा मेडिसिन में भी काम आ रहा है सर। ये बताइए, जैसे आप कितने दिन का चूजा लेके आए हैं आप? हम 72 घंटे से नीचे का ही चूजा, कहीं से भी आप चूजा मंगाएंगे सर तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फार्म तक पहुंचने होते हैं। 72 घंटे के अंदर आपने चूजे को यहाँ पे? हाँ। अब एक चूजे को जैसे आप जो बेचते हैं जी, कितने महीने के चूजे को आप मार्केट में बेचते हैं? हम सर 1 डे चूजा भी बेच देते हैं, आज जैसे ये निकला है ना, मतलब खाने के लिए अगर हमको बेचना, खाने के लिए सर कम से कम नहीं तो अब ये 25 दिन का है, 50 दिन हो जाएगा, लगभग 400-500 ग्राम का हो जाता है तो लोग खाने के पर्पज से ले जाना। अच्छा, चालू कर देते हैं 500 ग्राम से लेके, हाँ वो 500 से एब भी। अगर 1 किलो चूजे की हम बात करते हैं तो कितने दिन में 1 किलो का चूजा सर? पिछले बार तो मेरा ओपन रेंज फार्मिंग में जो है 5 महीने में 1 किलो पर पकड़ा था। अच्छा, मतलब एक चूजा 5 महीने में तैयार 1 किलो का हुआ था। जी जी होते। अच्छा, एक मुर्गी का हम एक अनुपात निकालते हैं जी सर, कि आप 6 महीने तक आप एक मुर्गी को पाल रहे हैं 1 किलो के हिसाब से, तो उस एक मुर्गी का 6 महीने के खाने का क्या अनुपात निकालते हैं? 3.5 किलो अगर आप इसकी बात करते हैं जो मुर्गी दाना मार्केट से आप परचेज करके खिलाते हैं जी जी। तो 3.5 से 4.5 किलो तक का एक मुर्गी का डाइट है।
अच्छा, 6 महीने एक किलो करने में, एक किलो नहीं, 6 महीने तो नहीं, 3 महीने में अगर उस फीड पे पालेंगे तो 90 से 100 दिन में आपको 1 किलो हो जाएगी उस फीड पे, हो गया। लेकिन वही चीज अब 4.5 किलो वो खाली, अगर हम उसको 2 किलो फीड खिलाते हैं, ठीक, 2 किलो फीड खिलाते हैं और उसको ओपन में छोड़ते हैं, 50% फीड बाहर की खाती है, तो वो 6 महीना लगाएगी, आपकी लागत 50% रिड्यूस करेगी, तो मेरा टाइम गेन कर जाएगी। जी जी सर, जी जी जी, टाइम गेन कर जाएगी, टाइम हमारा गेन हो रहा है लेकिन हमारे खाने का खर्च घट गया, खर्च घट गया, बिल्कुल ठीक ना, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों में देखिए कि हमें थोड़ा टाइम के बाद फायदा उतना ही है, बट जिसको जो ले जा रहा है हमारे यहाँ से वो हमसे ज़्यादा संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मुर्गी के बच्चे का अगर हम कहें कि वो प्रेग्नेंट कब तक में होती है, बच्चा देने लायक कब तक में होती है? 1200-1300 ग्राम की मुर्गी हो जाए, हाँ, कम से कम 4 से 5 महीना का उसका, 4 से 5 महीना टाइम लिमिट बढ़ जाए, 1200-1300 ग्राम। इतना मत खिला दीजिए कि बंद पिंजरा में खिला करके आप 45 दिन में वो 60 दिन में 1 किलो कर दिए, 1200-1500 किलो कर दिए, तो हील भी नहीं पाएगी, तो अंडा कब देगी और कैसा अंडा देगी, उससे बच्चे भी आप निकालते हैं तो कैसा बच्चा देगी। जी जी जी, ये सारे मायने रखते हैं सर। आज हमारे पास जो अंडे हैं, आप इनका न्यूट्रिशन वैल्यू ले जा करके और किसी और देसी जो फार्मिंग है, जो अंडे का उत्पादन कर रहे हैं फार्म बना करके, और फिर चूजा उत्पादन इसी सोनाली और सोरंगी का कर रहे हैं, उन पे आप जाइएगा तो फिर इस अंडे से बच्चा निकला, उस अंडे से बच्चा निकला, एक ही हैचरी में डाल करके आप जब निकालिएगा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 45 चूजे हमारे निकले थे, 45 चूजे में मैंने केवल गुड़ पानी दिया है, वैक्सीनेशन पिछले बार जितना हमको लिखाया गया था वो सारे के सारे दवाई रखे हैं। मेरे मुकेश भैया यहाँ पे हैं, मुकेश भैया पहले इंचार्ज थे जो 6 महीना तक मुर्गियों का देखभाल किए हैं, और इतना दवा हमने दिया था फिर भी मोटिलेशन हमारा 25% से 30% गया। आज का सर 45 मुर्गी यहाँ पे आई थी, ठीक ना, 2 मोटिलेशन हुआ है, 6-7 हमने जो है बेच दिया है 100, 125, 150 में, अभी 39 ये साइज की मुर्गियां हैं, अब ये 24 अभी आ गई, अब 22 वाली आने हैं, मैंने निकलने के बाद कोई भी रिस्क गेन नहीं है। ये तो इसका इफेक्ट मैं मानता हूँ कि जो देसी पद्धति से इनके मादा को जो है हम ये खुला छोड़ते हैं, उससे जो अंडे निकलते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी बड़ी होती है सर कि उससे निकलने वाले चूजे में कोई रोग ही नहीं होता। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो मादा चूजा है, मुर्गी जिसको हम बोल रहे हैं, मुर्गी लगभग कितने अंडे देती है? अभी सोनाली पर जैसे हमने अपना जो सोरंगी नस्ल हम लाए थे उधर से, सोरंगी को भी कर दिए, देखिए उसमें इधर गांव का भी देसी को भी और संकर कर रहे हैं, तो इनका तो अभी मैं आने वाले समय में मैं इसका रिजल्ट दूंगा। अभी का जो ये है सोरंगी का लगभग सर हमारी 3 महीने से मुर्गियां तो लगातार दे ही रही हैं, 260 से 280 अंडा 365 दिन, मतलब 1 ईयर में 260 से 280 अंडे विथिन गैपिंग। अच्छा, अगर सही पोषण मिला तो इतने अंडे एक मुर्गी से आपको एक साल में आने हैं। अगर हम 260 और 10 रुपये का रेट भी निकालते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। अच्छा ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका जो मैं अभी देख के आया हूँ, एक देसी पद्धति से आपने जो है अंडे को सेदने वाला या किसी भी वस्तु को गर्म, तो उसकी प्रोसेस बताइए, कैसे क्या करते हैं, कितने दिन का होता है वो, फिर तीसरे दिन चौथे दिन जो है तो आपको ये समझ में आया कितने दिन का? 6 दिन का अंडा, 5 से 6 दिन हाँ मुर्गी अंडा देती है उसको अलग करिए, हाँ मुर्गी के पास भी नहीं रखिए, हाँ हाँ ये भी एक फैक्ट है, हाँ मुर्गी के पास रखिएगा तो बार बार उसको इधर से उधर उधर से उधर ढंगाएगी, हाँ तो अंडा एक्चुअल में 2-3 दिन में उसका जो भ्रूण होता है वो पिघल जाता है, फिर उसको जब टेम्परेचर पे डालिएगा तो वो बच्चा नहीं बना पाएगा। अच्छा, वो भ्रूणिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जो पीला वाला भाग होता है अंडे के अंदर का वो पिघल जाता है। ये सब हम फोड़ फोड़ करके प्रत्यक्ष देखे हैं, रिसर्च किए हैं, इसके आधार पर कोई भी नॉट फॉर कोई ट्रेनिंग,
मैं जो कर रहा हूँ अभी आपको मैं दिखाया, मुझे लगता है कि अभी अंडे से बच्चा नहीं निकलेगी, मैं कोई भी अंडा उठा करके, अब मुझे विश्वास हो गया था कि 13 और 11 अब नहीं निकलने वाले, जस्ट इनके साथ। अच्छा, उसमें आपने मार्किंग किया है ना, 1 2 3 4 जिस डेट में मैं हेचरी में डालता हूँ उसमें भी मार्किंग है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप मेरे अंडों के बीच में अभी जाएंगे तो जैसे आज अंडे अभी उठे, अभी जो बड़ा ज्यादा ज्यादा अंडे थे 5 5 7 7 अभी वहां से जब पूरा अंडा हटाएंगे तो एक अंडा उसमें अभी छोड़ देंगे, उसमें 6 तारीख लिख देंगे। अच्छा, तो 6 दिन के अंडे को आप डालते हैं, बिल्कुल है। फिर इसके बाद कितने दिन बाद चूजा तैयार होके आप बाहर निकाल के रख रहे हैं? 10 दिन तक आप 4 बार इसको रोटेट करेंगे। अच्छा, रोटेट करें मैंने हर 3 से 4 घंटे में आपको पलटना है अंडे। अच्छा जी जी जी, ठीक ना। इसके बाद 10वें दिन के बाद जो है 3 बार, कम से कम 3 बार, 4 बार नहीं कर पाए 3 बार। 18वें दिन मुर्गी का है तो 18वें दिन से आप उसको पलटना फिर बंद कर देंगे। अच्छा, उसको एजेस्टेज छोड़ देंगे, फिर वो अपने से 21वें दिन से 21 22 23 माने अंडे से चूजा निकलने का समय 3 हो जाएगा। 23वें दिन के बाहर जो हुआ तो समझ जाइए कि अब कोई जिंदा भी होगा तो तोड़ करके निकालेंगे तो मर जाएगा। वो अपन 21 दिन माने 6 दिन वो मानते हैं 22। अच्छा, अगर हैंडमेड हैचरी है, हैंडमेड इंक्यूबेटर है तो 22 23 24 दिन भी आपको अच्छे स्वस्थ चूजे मिलेंगे। आपको मैं हाथ से बना हुआ इंक्यूबेटर आपको दिखाऊंगा, आप देखिए बड़ा प्यारा तरीका। मुकेश पाल जी से अपन जानने का प्रयास करते हैं। मुकेश पाल जी, आप क्या क्या इसमें क्या सहयोग करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। सहयोग सर, पहले तो मैं ही था यहाँ जी जी, और 1000 जब समय में 4 महीने तक कंटिन्यू यहाँ देख रेख उनका, पानी से लेके खाना से लेके वैक्सीन से लेके सारा कुछ तक मैं ही किया हूँ, और बाकी अगला प्रोसेस तो भैया बता ही दिए हैं सर। हाँ भैया पूरा, हाँ ज़्यादा क्या बताएंगे। मुर्गियों में क्या प्रॉब्लम थी जो आज नहीं है, वो मुकेश जी से विस्तृत पूछिए। हाँ बताइए। मुर्गियाँ सर कभी कहा लड़ के और अपने को ही मारना शुरू कर दे रही थी। ऐसा सर उनका कहना चाहिए कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने के वजह से, नंबर एक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो गया, दूसरा अल्सर की कमी, नमक की कमी हो जाती है। अच्छा, नमक की कमी उसको पूरा किए हम लोग, उसमें सीखे भी, नुकसान भी उठाए। अच्छा, और यही एक एक दिन में सर 1.5-2 क्विंटल तक, यानी 1 क्विंटल 75 kg मकाई उसको प्रोसेस करा के दरिया बना के और खिलाए हैं। एक दिन की बात है सर, बहुत बायलर फीट पे हम लोग काम, और 1.5-2 क्विंटल तक एक एक दिन में टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पपीता हो गया, इसको सब काट के फोड़ के तोड़ के सब दिए हैं खाने पीने के लिए। अब मैं सीता शरण पाल जी से भी मुर्गी पालन के अनुभव को हम लोग साझा करते हैं, तो कुछ बताइए आप इसके बारे में, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो यही, साथ में हम लोग सभी को थे और मुर्गी लोग पहले छोटा छोटा छावना लेके आए भैया लोग हमारे, और ये लोग पहले इसी में फार्म में रख। अब मैं हृदय लाल जी से भी विचार साझा करना चाहूँगा कि आप मुर्गी पालन का क्या कैसा वो रहा है, थोड़ा सा बताएं हृदय लाल जी मुर्गी पालन के संबंध में। छोटे छोटे बच्चे ले आए और इसी में पालन पोषण किए, खिलाए पिलाए और व्यवसाय सही ढंग से कर रहे हैं। अब मैं नंदलाल जी से भी विचार अपन लेते हैं कि मुर्गी पालन का काम जो कर रहे हैं तो कैसा अनुभव रहा आपका, नंदलाल जी? सर मुर्गी पालन हम लोग किए तो अब शुरुआत में, पहले तो जानकारी नहीं था, पर पहले हम लोगों के यहाँ गांव में घर में भी मुर्गियाँ पाली जाती थी, जो कि ज़्यादा संख्या में नहीं, थोड़ा कम संख्या में 2-4 ऐसे करके, तो उससे क्या था कि हम लोग देसी पद्धति से पालते थे, उनको चारा पानी तो पर्याप्त बाहर से ही चरखा के मैंने अपना आती थी, और लेकिन जब हम लोग विचार बनाए कि नहीं अब हम लोग मैंने ज़्यादा संख्या में मुर्गी पालन करें, इसके लिए फिर मुर्गियाँ मंगाई गई और छोटे छोटे बच्चे के रूप में, अब उनको फिर दवा भी दिया जाता था, दवा पानी
इससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को पहली बार कि भाई पहली बार हम बिजनेस कर रहे हैं तो भाई उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते आगे वो किए कि कौन सा दवा कौन से रोग के लिए कैसे मौसम में कहाँ पे इनको रखना है, कहाँ खोलना है कि बंदर रखना है, तो इसके बारे में हम लोग सीखे। पर यह है कि जो भी हम लोग इनके लिए काम किए बहुत ही अच्छा सिस्टम से तैयार हुआ। NSD इंडिया जो उद्योग धंधा चैनल हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं दर्शकों को? सर पहले तो उद्योग धंधा भाई आलोक सिंह करके हम लोगों ने आपसे परिचय हुआ जी। फिर हमें पता चला कि आप मार्गदर्शक इकाई के रूप में सिंगरौली ज़िले में आपको माननीय कलेक्टर साहब ने जो है अनुमोदित किया है, तो हम लोगों के सहयोग के लिए ही आप बैठे हैं जी। इसके बाद आपके पास जब आए तो मार्गदर्शन ऐसा मिला कि और उत्साह बढ़ गया जी। हम आए और आज NSD जब चैनल स्थापना हो रही है तो हम चाहेंगे कि हमारे ही जैसे कईक जगह के कईक तरह के बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो या किसी तरह की फार्मिंग हो, कृषि से संबंधित डेयरी फार्मिंग कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो आपके कार्यालय तक आपसे संपर्क करें। साथियों ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप कुछ समस्याएं आ रही हो और आपको लग रहा हो कि समस्याओं का निदान होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उस समस्याओं का आदरणीय अनुज प्रताप जी आपकी समस्याओं का हल करेंगे। इसके साथ यदि आप मुर्गी खरीदना चाह रहे हो, मुर्गा खरीदना चाह रहे हो, चूजा या अंडा भी खरीदना चाह रहे हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे सस्ते दरों पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। साथ ही आज ऊर्जा धानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबको नमस्कार, धन्यवाद। कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें लोगों के पास, जिससे कि सिंगरौली ज़िला का नाम इस व्यवसाय के रूप में जो नींव पड़ा है वो आगे बढ़े, यही हम लोग जो है चाहते हैं जी। धन्यवाद, नमस्कार।